विदिशा जिले के सिरोज में 28 वर्षीय महिला का शव नदी में तैरता हुआ मिला है। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि महिला 3 दिन से लापता थी। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला को ससुराल वालों ने ही मारा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामले को लेकर मायके पक्ष ने मौके पर हंगामा भी किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा, कौन से गाँव से हो? कालूराम नाम है सर, मनसापुरन के रहने वाले। ये क्या घटना हुई है अभी? अब ये घटना हुई तुम्हें भी दिख रही होगी थोड़ी बहुत। क्या मामला है पूरा बताओ तो सही। मामला मार के उन्होंने पटकी और कौन ने पटकी? किन्ने पटकी? ससुराल वालों ने। अच्छा हाँ, तो ये आप कह रहा हो कि ये मिल भी नहीं रही थी 3-4 दिन? हाँ, 3-4 दिन से नहीं मिल रही ससुराल वालों। क्या नाम है इनके हस्बैंड का? प्रेम सिंह। अच्छा अच्छा, प्रेम सिंह है जी। पुलिस लिए पीएम के लिए यहाँ पर ला? हम नहीं ला, वही ना वो हमसे पहले लेके आ रहा, हमें आने नहीं दिया रास्ते में, उससे पहले ही लेके आ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।